नई दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में 40 साल की महिला रवनीत कौर की हत्या से सनसनी फैल गई। महिला पेशे से योगा ट्रेनर थी, जबकि उसका पति पवनदीप साहनी ऑटो पार्ट्स में काम करता था। रवनीत कौर नाम की योगा ट्रेनर की बेटी अचानक मां की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत की खबर से रवनीत कौर के परिवार में कोहराम मच गया। जहां एक तरफ परिवार रवनीत कौर के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रवनीत कौर के भाई और बहन ने अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम कराने की जिद पकड़ ली और पति पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पवनदीप को गिरफ्तार कर लिया है। रवनीत और पवनदीप की शादी को आने वाले नवंबर में 20 साल पूरे होने जा रहे थे, लेकिन 21 सितंबर को रवनीत की हत्या कर दी गई। उसके आरोप में पवनदीप को गिरफ्तार किया गया। रवनीत कौर की दो बेटियां भी हैं, जिनमें से एक बेटी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहती है, जबकि छोटी बेटी साथ में रहती है। रवनीत कौर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिवार वालों का शक सही निकला। रवनीत कौर की हत्या दम घुटने की वजह से हुई थी, साथ ही रिपोर्ट में उसकी कत्ल से पहले उसकी पिटाई की बात भी सामने आई है। इस मामले में रवनीत के भाई का आरोप है कि पवनदीप अक्सर उसकी बहन से मारपीट करता था और पैसों की मांग करता था, जिसके बाद पुलिस ने पवनदीप के खिलाफ दहेज का केस भी दर्ज कर लिया है। रवनीत के भाई सुमित और बहन प्रीति का आरोप है कि रवनीत की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई। उसे बुरी तरह से पीटने के बाद उसका मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया। 21 सितंबर की सुबह लगभग 5:15 बजे उन्हें उनकी 12 साल की भांजी ने फोन करके बताया कि मां की तबीयत खराब हो गई है और वो कुछ बोल नहीं रही है। वहीं हकीकत सामने आने के बाद जब पुलिस ने पवनदीप से पूछताछ की, तो वारदात की सच्चाई सामने आ गई। पवनदीप ने पुलिस को बताया कि उसने रात को सोते वक्त पत्नी रवनीत की तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। वारदात को छिपाने के लिए पवनदीप ने ही रवनीत कौर के परिवार पर बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कराने का दबाव बनाया था, लेकिन भाई ने पोस्टमार्टम कराया और योगा ट्रेनर की मौत की सच्चाई सबके सामने आ गई।